हेलो स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस का ये 26th वीडियो है, जबकि हमने 25th को ही लास्ट वीडियो कह दिया था, इसलिए इसको हम बोल दे रहे हैं एडिशनल मैटर। डायमीटर ऑफ क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक ना, कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस में कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम प्रूव करते समय इस रिजल्ट की जरूरत पड़ी तो ये लगा कि ये मिस कर गया है। तो आइए हम इस रिजल्ट को देखें। इसके पहले छोटे छोटे रिजल्ट्स होंगे, एक छोटा सा वीडियो है ये। थ्योरम नंबर वन, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस and A is subset of X, then X belongs to A closer if and only if distance of X from the set A is equal to 0. A distance. Proof: if part ये दिया है, ये सिद्ध करना। लेट डी एक्स ए इक्वल टू जीरो, देन डी एक्स ए क्या होता है, इन्फिमम कर्ली ब्रैकेट डी एक्स वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ए, यही है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेट ए का डेफिनेशन, यही डेफिनेशन। और इसकी टोपोलॉजी, इसकी ज्योमेट्री आप दिमाग में बैठा लें। देखो, डी माने डिस्टेंस फंक्शन, डी एक्स वाई माने एक्स और वाई के बीच की दूरी, एक्स फिक्स्ड है, गिवन पॉइंट है, कैपिटल ए से उसकी दूरी नापनी है, एक्स फिक्स्ड है। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं कैपिटल में, चाहे जितने पॉइंट हैं ना, फाइनाइटली मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक्स से सबकी दूरियां हम नापेंगे, यही है। ये y1 है तो dx y1, ये y2 है तो dx y2, ये y3 है तो dx y3 ना, इस तरीके से हम दूरियां नापेंगे। इन डिस्टेंसेस में, इन मैट्रिक्स में जो सबसे छोटा होगा वही तो इस सेट का इन्फिमम होगा। तो एकदम नियरेस्ट पॉइंट हमने यहां ले लिया है, ये सबसे छोटा मान लीजिए यही है, समझ गया ना। किसी सेट से किसी पॉइंट की दूरी का क्या मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ ना। दूरी का मतलब तो नियरेस्ट डिस्टेंस, मींस नियरेस्ट डिस्टेंस। इसलिए जितने डी एक्स वाईज आएंगे उनमें जो सबसे छोटा डी एक्स वाई होगा दैट विल बी द डिस्टेंस। और ये कह रहा है कि ये जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है। इट मींस दैट अब यहां एक भावार्थ आपको निकाल रहा है। ये सारे डिस्टेंसेस हैं, उनमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कहां चल, कहां ले जाए एक्स को, एक्स को इसी सेट के अंदर ले जाए ना। जब एक्स भी इसी सेट के अंदर आ जाएगा तो एक्स से एक्स की दूरी नापोगे ना, फिर एक्स से एक्स की दूरी नापोगे तो कितना होगा, जीरो। और वही स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, वही मिनिमल एलिमेंट होगा, क्योंकि डी एक्स वाई नॉन निगेटिव नंबर्स होते हैं ना। तो ये जो सेट है वो नॉन निगेटिव नंबर्स का है, नॉन निगेटिव नंबर्स में अगर एक एलिमेंट जीरो है तो वही सबसे छोटा होगा। इट मींस दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एडहेरेंट पॉइंट पढ़ाते समय ही हमने रिमार्क किया होगा, आप वीडियो करिस्पॉन्डिंग वीडियो देखोगे, कि अगर एक्स ए का पॉइंट है तो वो एडरेंट पॉइंट भी होगा ए का। दस देखो, मैं लिख रहा हूं, एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स हैज एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स ऑफ ए, है कि नहीं। एक्स पर सेंटर्ड
कोई भी ओपन स्फीयर लोगे, तुम कोई भी ओपन स्फीयर लोगे, उसमें एक्स तो होगा ही होगा, उसका सेंटर है भाई, और एक्स ए का पॉइंट है। सो एक्स पर सेंटर्ड कोई भी ओपन स्फीयर आप लोगे, वो ए का एक पॉइंट रखेगा, माने एडहेरेंट पॉइंट हो गया। एंड सो एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू एडहेरेंस ऑफ ए। एडहेरेंस ऑफ ए को ही ए क्लोजर भी कहते हैं, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। तो एक पार्ट हो गया, यदि डी एक्स कैपिटल ए जीरो हो तो एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अब उल्टा, ओनली पार्ट, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, देन एक्स इज एन एडहेरेंट पॉइंट of A. It means that every open sphere, every open sphere centered at X has at least, it means that every open sphere centered at x has at least one point of A, has at least one point of A. Thus, every open sphere centered at x, center x को रखिए, radius चाहे जो ले लीजिए, और radius हम किसको बनाते हैं, किसी positive number को। Thus, corresponding to each positive number R, there exists a point Y dash, say in A, such that Y belongs to open sphere SXR. यही तो आप लिख रहे हो, every open sphere centered at X has at least one point of A. कोई भी हम मान लो R radius वाला एक sphere centered at X ले लिए, तो उसमें भी A का एक point जरूर होगा, माना वो point Y dash है। This implies that DXY dash is less than R. Since R is arbitrary, therefore we can choose R greater than 0 in such a way that infimum curly bracket dxy such that y belongs to A will become 0. अब ये संभव कैसे है, अब यहाँ भाषण तो देना लिखना नहीं, बस समझना है, बहुत कठिन बात नहीं। देखो, डी एक्स वाई डेज लेस देन आर, इसमें वाई डेज ए का एक पॉइंट है, ए के एक पॉइंट वाई डेज के लिए डी एक्स वाई डेज आर से छोटा है, आर आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। अब नंबर लाइन पे जीरो की कल्पना करिए आप, यहां पे जीरो है,
जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन्हीं में से तो किसी को आपने आर लिया होगा। जीरो के तुरंत बाद वाला जो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर हम उसको आर ले लें, अगर हम उसको आर ले लें तो फिर डी एक्स वाई डेस कितना हो जाएगा? जीरो। यानी इस सेट का एक एलिमेंट जीरो आ जाएगा, तो फिर इस सेट का इन्फिमम क्या होगा? जीरो। ऐसा यही समझना। सिंस आर इज आर्बिट्ररी, देयरफॉर वी कैन चूज आर ग्रेटर देन जीरो इन सच अ वे दैट इन्फिमम ऑफ दिस सेट विल बिकम जीरो। हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया। एंड सो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डी एक्स कैपिटल ए इक्वल टू जीरो। तो हमने पढ़ा कि एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर इफ एंड ओनली इफ डी एक्स ए इक्वल टू जीरो। थ्योरम नंबर टू, ये समझ रहे ना आप? फिर से मैं समझा दूं कि कैपिटल ए में एक एलिमेंट वाई डेस ऐसा है जिसके लिए डी एक्स वाई लेस देन आर है। आर चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर, आर चाहे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो। सोचो, हम इसको प्लॉट तो कर ही नहीं सकते, लेकिन वो सोच सकते हैं लॉजिकली कि जीरो के तुरंत बाद वाली जो संख्या होगी वो पॉजिटिव होगी ना दाहिने तरफ। हमने आर वही ले लिया। अगर हमने आर वही ले लिया तो फिर उससे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर कौन होगा? जीरो ही तो होगा, क्योंकि ये डी एक्स वाई डेस नेगेटिव नहीं होना है ना, ये तो नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं भाई। यानी ए में एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए डी एक्स वाई डेस जीरो है, यानी इस सेट का एक एलिमेंट जीरो है और बकिया सारे पॉजिटिव हैं। तो जब उसका इन्फिमम निकालोगे तो मिनिमल एलिमेंट विल बी जीरो, इन्फिमम जीरो आएगा। थ्योरम नंबर टू, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट एक्स, देन ए क्लोजर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स सच दैट डी एक्स कैपिटल ए इक्वल टू जीरो। टोपोलॉजिकली ज्योमेट्रिकली थोड़ा सोचोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई हाँ बिल्कुल ठीक है। ए क्लोजर सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स, एडहेरेंट माने चिपके हुए, वो चिपके हुए बिंदु है। ये क्या कह रहा है? ये सेट उन सभी एक्स का है जिन एक्स की दूरी कैपिटल ए से जीरो हो। इसका मतलब ये एक्स सब ए से चिपके होंगे, ए के जस्ट अंदर होंगे, है ना? दिस इज सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स, नो डाउट। चलिए लिखिए प्रूफ। प्रूफ, इफ डी एक्स कैपिटल ए इक्वल टू जीरो, देन एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर बाई प्रीवियस थ्योरम, जो अभी आपने प्रूव किया बाई प्रीवियस थ्योरम। प्रीवियस थ्योरम यही तो आपने प्रूव किया, एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई या इफ एंड ओनली इफ डी एक्स कैपिटल ए इक्वल टू जीरो। यही तो प्रूव किया, यही प्रूव किया। ऑन द अदर हैंड इफ डी एक्स कैपिटल ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मान लिया हमने वो आ रहे हैं और ग्रेटर देन जीरो, देन अब की बार एक्स कैपिटल ए से बाहर है, ए से दूरी एक्स की जीरो नहीं है, तो ये सेट हो गया कैपिटल ए, एक्स बाहर है।
ठीक, ये कोई पॉइंट है, चिपका हुआ पॉइंट, ए से चिपका हुआ पॉइंट है, उसका डिस्टेंस हो गया मान लीजिए ये आर, ऐसे। क्योंकि डी एक्स ए क्या होगा, डी एक्स वाई में जो मिनिमल होगा वो हमने बना दिया। अब हाफ हाफ लीजिए आर बाई टू और एक ओपन स्फीयर बनाइए, एक्स पर सेंटर्ड एक ओपन स्फीयर है, रेडियस इसका आर बाई टू है, बताइए इसके पास कैपिटल ए का कोई पॉइंट होगा, नहीं होगा ना, तो ये ज्योमेट्री बनाना जरूरी, तभी समझ में आएगा। देन के बाद यही मैं लिखने जा रहा हूं, देन द ओपन स्फीयर, देन द ओपन स्फीयर एस एक्स आर बाई टू हैज नो पॉइंट ऑफ ए एंड सो एक्स इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट, एक्स इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, दैट इज एक्स डजेंट बिलोंग टू ए क्लोजर। सारी बातों को समेटिए। आप कह रहे हो कि यदि डी एक्स ए बराबर जीरो है, डी एक्स ए बराबर जीरो है तो एक्स ए क्लोजर में होगा, और अगर डी एक्स ए पॉजिटिव है तो एक्स ए क्लोजर में नहीं होगा। डी एक्स ए का दो ही नेचर हो सकता है, डी एक्स ए या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो जब डी एक्स ए जीरो है तब तो एक्स ए क्लोजर में होगा, लेकिन डी एक्स ए अगर पॉजिटिव है तब एक्स ए क्लोजर में नहीं होगा। तो ए क्लोजर में होने के लिए शर्त क्या बनी, डी एक्स ए इक्वल टू जीरो, हेंस द प्रोपोजिशन। हेंस द प्रोपोजिशन, ये रहा। अब थ्योरम नंबर थ्री, मेन थ्योरम ऑफ दिस वीडियो, डायमीटर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स क्लोजर। थ्योरम नंबर थ्री, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए क्लोजर। प्रूफ, डायमीटर ऑफ ए बाय डेफिनेशन सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट डी एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई दोनों ए के एलिमेंट। इक्वल्स टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट डी एक्स कामा वाई सच दैट, सुनो अगर एक्स ए में है तो एक्स की दूरी इस सेट से कितनी होगी, जीरो। डी एक्स कैपिटल ए इक्वल टू जीरो, अगर वाई ए में है तो वाई की दूरी इस सेट से कितनी होगी, जीरो। डी वाई कैपिटल ए इक्वल टू जीरो। यही जो भी थ्योरम किया हमने, वी नो दैट डी एक्स ए इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, थ्योरम नंबर वन। आज ही तो पढ़ा ना इसको हमने। ठीक, सिमिलरली डी ऑफ वाई कैपिटल ए इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, तो यही यहां पे लगा दीजिए। देयरफॉर डायमीटर ऑफ ए इज इक्वल टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट डी एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर, ए वाई है बाबा एंड वाई बिलोंग्स टू ए क्लोजर। अब ये जो डेफिनेशन आप लिखे थे उसी का मिलान करके यहां बताइए क्या लिख दें।
अब ये सेट बदल गया ना, सेट ए क्लोजर हो गया, तो यहाँ भी ए क्लोजर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस। तो थ्योरम नंबर वन का ही मेन इस्तेमाल इसमें हुआ है, थ्योरम नंबर टू एडिशनल था, ऐसे ही जब कर ही रहे थे तो एक थ्योरम छोटा मोटा करने में क्या जाता है। कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस में एक थ्योरम प्रूव जब आप करोगे, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, तो इस रिजल्ट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। डायमीटर ऑफ ए इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स क्लोजर। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।